हेलो फ्रेंड्स, आज हम बचे हुए चावलों से बनाएंगे ऐसे फ्लेवर्ड राइस जिसे बच्चे या बड़े सब पसंद करेंगे। एक कढ़ाई में 3-4 चम्मच घी गरम करेंगे। यहाँ हमने ना तेल लिया है ना बटर। घी गरम होने पर इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच कटा हुआ अदरक लहसुन और 4-5 कटी हुई हरी मिर्च डालकर कुछ देर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे और कुछ देर फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 2-3 कप उबले हुए चावल डालेंगे। अब इसमें नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे फ्लेवर्ड राइस बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं या किसी भी ग्रेवी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं।